1 जुलाई 2023 से HDFC बैंक और HDFC LTD का विलय हो गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि अब HDFC बैंक दुनिया का चौथा सबसे वैल्यूएबल बैंक बन गया है। शुक्रवार 30 जून को हुई बोर्ड की बैठक में इस मर्जर को अंतिम मुहर लगा दी गई थी। एफसी लिमिटेड के शेयरों की डिलिस्टिंग के लिए 13 जुलाई की तारीख निर्धारित की गई है। विलय के बाद मैनेजमेंट से लेकर वैल्यूएशन में कई बड़े बदलाव दिखेंगे। बता दें कि बोर्ड बैठक के बाद HDFC ग्रुप के चेयरमैन दीपक पारेख ने भी शेयर होल्डर्स को एक पत्र लिखते हुए इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद शशि जगदीशन के ऊपर अब उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आ गई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड के विलय के बाद अब HDFC बैंक की वैल्यूएशन में जोरदार इजाफा हुआ है। वैल्यूएशन के मामले में ये HSBC और सिटी ग्रुप से भी आगे निकलते हुए दुनिया का सबसे चौथा मूल्यवान बैंक बन गया है। इससे ऊपर JP मॉर्गन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प का नाम आता है। HDFC बैंक HDFC LTD के मर्जर के बाद जहां यह बैंक दुनिया में चौथे स्थान पर आ गया है, वहीं देश में दूसरे सबसे मूल्यवान फर्म बन गया है। दरअसल अब HDFC बैंक ने मार्केट कैप के लिहाज से IT दिग्गज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को भी पीछे छोड़ दिया है और दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। इस मामले में देश की सबसे वैल्यूएबल फर्म मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज है। शुक्रवार के आंकड़ों के मुताबिक जहां रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 17.3 लाख करोड़ था, वहीं HDFC बैंक HDFC लिमिटेड का कंबाइंड मार्केट कैप उछलकर 14.7 लाख करोड़ रुपए हो गया। हालांकि दोनों संस्थाओं का अंतिम मार्केट कैपिटलाइजेशन 17 जुलाई के आसपास तय किया जाएगा। इससे 20 तीसरे पायदान पर पहुंची TCS का एम कैप 12 लाख करोड़ रुपए है। मर्जर लागू होने के साथ ही अब 13 जुलाई 2023 से HDFC बैंक के शेयर स्टॉक मार्केट से डिलिस्ट कर दिए जाएंगे, यानी आप उन्हें खरीद या बेच नहीं सकेंगे। इन शेयरों की ड्रेंटिंग क्लोज कर दी जाएगी। अब HDFC बैंक में 100% हिस्सेदारी सार्वजनिक शेयर धारकों की होगी और HDFC के मौजूदा शेयर धारकों के पास बैंक की 41% हिस्सेदारी रहेगी। HDFC लिमिटेड के हर एक शेयर धारक को उनके प्रत्येक 25 शेयर के लिए HDFC बैंक के 42 शेयर दिए जाएंगे। विलय के बाद अब बैंक के पास लगभग 12 करोड़ ग्राहक हो जाएंगे, जबकि नए HDFC बैंक के कुल कर्मचारियों की संख्या लगभग 1,73,222 होगी। अब सवाल ये है कि मर्जर के बाद ग्राहकों उन्हें मिलने वाली सेवाओं और दोनों कंपनियों के कर्मचारियों पर क्या असर दिखेगा। तो आपको बता दें, इस मर्जर की तारीख का ऐलान करने के दौरान ही HDFC ग्रुप के पूर्व चेयरमैन दीपक पारेख ने कहा था कि विलय के बाद बनने वाली नई इकाई में दोनों कंपनियों के किसी भी कर्मचारी का वेतन कतई कम नहीं किया जाएगा। इसके अलावा 60 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक कर्मचारी को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि HDFC बैंक को हमारे लोगों की जरूरत है। HDFC बैंक के ग्राहकों की बात करें तो अकाउंट होल्डर्स के वर्तमान में दी जाने वाली सभी सुविधाएं निरंतर जारी रहेंगी, इनमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा। बैंक में पर्सनल लोन लेने ग्राहकों से लेकर अन्य अकाउंट होल्डर्स को पुराने सभी सेवाएं जारी रहेंगी। बैंक के सभी ब्रांच में HDFC लिमिटेड की सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी, यानी अगर आपने HDFC से होम लोन लिया है तो आप अब HDFC बैंक के ग्राहक बन जाएंगे। लोन लेने वाले ग्राहक मौजूदा होम लोन के नियम और शर्तों के आधार पर पहले की तरह ही अपनी MI को चुका सकते हैं। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।